जैन। लगाते हैं तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, दो शून्य अंक दिए, कर्णिन पांच दिया आपका, कर्णिन पांच बटे तीन, और एक दिया आपका माइनस कर्णिन में पांच बटे तीन, ठीक है। आपका दो शून्य अंक दिया है, एक दिया कर्णिन पांच बटा तीन, एक दिया माइनस कर्णिन पांच बटा तीन। तो दो शून्य अंक दिया तो मान लो यक्ष, और इसमें भी क्या कर लो यक्ष, आप मान सकते हो, माना ये आपका हो गया यक्ष प्लस कर्णी में पांच बटा तीन, कर्णी में पांच बटा तीन। इसको कैसे मानोगे आप, यक्ष माइनस कर्णी में पांच बटा तीन, ये आपका हो गया ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में प्लस और एक कोष्टक में माइनस, यही फॉर्मूला होता है ना। देखिए आपका एक तो इसमें प्लस दिया और एक में माइनस, आप इस फॉर्म में कर सकते हो, कर सकते हो ना, कोई डाउट है किसी को। देखिए आप यक्स मान के इसमें यक्स प्लस कर ली, प्लस क्यों लगाए हो, प्लस पहले से था और ये माइनस पहले से था, तो हम इस फॉर्म में रख के आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे, क्लियर है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर। तो आपका हो गया ए स्क्वायर, कौन सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो गया बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका तोड़ेंगे क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस पांच बटा तीन, ठीक है, आपका इस फॉर्म में हो गया एक्स स्क्वायर पांच बटा माइनस पांच बटा तीन। एक किस तरीके से आया पांच बटा तीन, जैसे अगर किसी संख्या में स्क्वायर करोगे तो कर्णी क्या हो जाएगी, हड़ी आएगी। जैसे हमने बोल दिया कर्णी पांच का स्क्वायर करिए आप, तो एक कर्णी क्या हो जाएगी, हड़ी आएगी, तो कितना हो जाएगा पांच, ठीक है। जैसे कर्णी पांच का स्क्वायर का मतलब होगा कर्णी पांच गुणे कर्णी में पांच, जब कर्णी कर्णी से निकल जाएगा और बचेगा आपको पांच, क्लियर है इतना, जी सर। इतना तो आपको आता होगा, कोई डाउट है इसमें। नो सर। देखिए आप कर्णी तुरंत स्क्वायर किसी भी अगर वर्गमूल दिया है, वर्गमूल में अगर वर्ग करते हैं तो कर्णी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, हड़ी आएगी, ठीक है, स्क्वायर नहीं लगेगा तो, तब स्क्वायर नहीं लगेगा, समझ में आ गया। यस सर। आपका अभी इस तरीके से हो गया, आप इसके बराबर क्या मान लो, जीरो, क्या मान लो जीरो, जीरो। आप यहाँ पर लिखो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस पांच बटा तीन दिया है, अब मैंने इसके बराबर क्या माना है, जीरो। तो अब इसको आप उठा के इधर कर दो, ठीक है, आर एच एस साइड की तरफ, किस तरफ, आर एच एस की तरफ, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको राइट हैंड, तो राइट हैंड साइड की तरफ कर देते हैं। आपका यहाँ पर हो गया ये माइनस में दिया है, इधर जाएगा किसमें हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस पांच बटे तीन। अब देखिए एक इसमें है, भागे में है, कितने है, इधर जाएगा गुणे में, तो यहाँ पर तीन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तीन एक्स स्क्वायर बराबर पांच, क्या हो जाएगा पांच। अब इसको इधर कर दो इस वाले को, तो आपका हो जाएगा तीन एक्स स्क्वायर माइनस पांच, तीन एक्स स्क्वायर माइनस पांच आपका ये है। अब जो भाग देने के लिए बोला है, इसमें क्या देने के लिए बोला है, भाग बोला है कि के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए, मतलब क्या करना है, तीन एक्स स्क्वायर माइनस पांच में भाग देकर उसके शून्यांक क्या करो, ज्ञात करो, ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, देखो अभी हमने ये निकाला है तीन एक्स स्क्वायर माइनस पांच करके निकाल लिया कर्णी पांच बटा तीन से, तो अब इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। देखो भाग देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप कितनी बार ले जाओगे इसको, देखिए हमने बताया था भाग देने की विधि, सबसे बड़ी जो घात रहेगी उसको क्या करेंगे, काटने का प्रयास करेंगे, किधर देख रहा है, किधर देख रहा है, काटने का प्रयास करेंगे। यहां पर तीन एक्स की कितनी घाते हैं, चार घात, यहां पर एक्स की कितनी घाते हैं,
यहाँ पर भी तीन है और यहाँ पर भी तीन है, लेकिन यहाँ पर x की कितनी कमी है, दो x की कमी है, तो हम ले जाएंगे x स्क्वायर बार, कितनी बार x स्क्वायर बार। अब आप ले जाओ तीन x स्क्वायर माइनस पांच, गुणे किससे करोगे, x स्क्वायर से। मैंने बताया था इसका गुणा कैसे होता है, उल्टा उल्टा गुणा करो, इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा तीन x की चार का, ये दो दो हो जाएगा चार, माइनस इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा पांच एक्स स्क्वायर, पांच एक्स स्क्वायर। तो आप इसको जो जहां पर है वहां पर उतार दीजिए, जो जिस घात के नीचे उसको उतार दीजिए, तीन एक्स की चार घात माइनस पांच एक्स स्क्वायर, माइनस पांच एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट है, कोई यहां तक किसी को डाउट है, इतना कर लेते हो, क्योंकि दो बार दो तीन बार भाग बता चुकी है। अब यहां पर चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस है तो प्लस, अब ये क्या हो गया कट गया। अब ये वाला उतार लो, अब छह एक्स की तीन घात, अब ये देखो माइनस दो एक्स स्क्वायर है। ध्यान समझना, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, इसी को घटाने और जोड़ने में, ठीक है, घटाने जोड़ने में गलती हो गई तो पूरा गलत है, क्योंकि माइनस प्लस में गलती नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर दो एक्स स्क्वायर दिया है, माइनस दो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस की जगह क्या हो गया प्लस, प्लस पांच एक्स स्क्वायर, प्लस पांच एक्स स्क्वायर। अब देखिए आगे माइनस दिया तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या होता है घट जाएगा, और घटने के बाद पांच में से दो जाए तीन एक्स स्क्वायर। अब ध्यान देते हैं कि प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाला, प्लस वाला, प्लस वाला ज्यादा, तो आंसर किस में आएगा प्लस में, प्लस तीन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखो प्लस तीन एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स माइनस पांच, ठीक है। अब आप कितनी बार ले जाओगे, देखिए यहाँ पर एक्स कितनी घात है दो, और यहाँ पर एक्स की कितनी घात है, और यहाँ पर कितना है, और यहाँ पर कितना है, मतलब तीन दूना, और यहाँ पर x कितना चाहिए एक, यहाँ पर दो चाहिए और x चाहिए, देखो तीन दूना और यहाँ पर दो x है, और काटने के लिए एक x की जरूरत है, यानी हमको चाहिए दो x, क्या चाहिए दो x। तो हम ले जाते हैं कितनी बार, दो x प्लस दो x, ठीक है, प्लस दो x बार ले जाते हैं, तीन x स्क्वायर माइनस पांच गुणे दो एक्स, ठीक है। अब इसमें दो तीन या छह, एक्स से इसमें करोगे तो एक्स की तीन, इसमें करो पांच दूना दस एक्स। अब जो जहां है उसको उतार के रख दो, तो यहां इसके नीचे हो गया, और माइनस दस किधर है, यहां, ठीक है, कोई डाउट किसी को, अब इसको आप कर लो, एक इस प्लस में है माइनस, माइनस में तो प्लस, ये क्या हो गया आपका कैंसिल, ये क्या हो गया जो बचा उतार लो, तीन एक्स स्क्वायर माइनस पांच हो गया। अब देखिए इसमें घात किसकी ज्यादा है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है एक्स स्क्वायर, तीन एक्स स्क्वायर, तीन एक्स स्क्वायर माइनस पांच, माइनस पांच। देखिए अब ये दोनों सेम है कि नहीं, जब दोनों सेम है तो हम किसमें ले जाएंगे एक बार, और किसमें जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो किसमें जाएगा प्लस, प्लस एक बार, क्या ले जाएंगे प्लस एक बार। क्लियर है, कोई डाउट किसी को, तो प्लस एक बार ले जाइए, तो तीन एक्स स्क्वायर माइनस पांच, एक प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, आपका आ गया जीरो। क्लियर है, आप लोग लगा लीजिए, अभी क्या करना है इसका गुणनखंड, गुणनखंड करके शून्यांक ज्ञात करना है, समझ में आ गया, आप लोग इसको लगा लिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए। चलो अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड और उसका शून्यांक ज्ञात करेंगे, x स्क्वायर प्लस दो एक्स का, ठीक है, आपका x स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस एक। अब इसका आप क्या करो, गुणनखंड करो, गुणनखंड करने के बाद आप इसको शून्यांक निकालो, ठीक है। देखो इसका इसमें क्या करो गुणा, एक क्या करना एक, यहाँ पर मैंने बताया था एक होता है पर दिखता नहीं है, जैसे आपकी आत्मा दिखती है नहीं, वैसे ये भी नहीं दिखेगा, ठीक है,
चर और अचर, जब अचर के साथ एक जुड़ेगा, एक केवल, तो दिखेगा नहीं, हम उसको मानते हैं एक है यहाँ पर, ठीक है। एक करना, एक एक का ऐसा गुणनखंड करो, एक का ऐसा गुणनखंड करो कि गुणा करने पर एक और जोड़ने पर दो आए। एक प्लस एक, एक करना, एक एक प्लस एक बराबर दो, आया कि नहीं। एक करना, एक एक प्लस एक बराबर दो, क्लियर है इतना। तो आप यक्ष स्क्वायर प्लस यहां पर एक क्या दिया है, एक यक्ष प्लस एक यक्ष कोष्टक बंद प्लस एक, ठीक है, इतना समझ में आया। यस सर। क्योंकि हमने एक एक प्लस एक करके बराबर एक 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 जोड़ दो कितना हो जाएगा, दो, दो एक्स हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यक्ष स्क्वायर कोष्टक तोड़ दो, एक यक्ष, मैंने बताया कि कभी भी अचर चर के साथ एक जुड़ता नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, इसको हटा दो, ठीक है। यक्ष प्लस, इसको एक हटा देते, यक्ष प्लस एक, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। नो सर। इसमें एक यक्ष नहीं लिखा जाता बाबू, इसको लिखा जाता है यक्ष, तो इसीलिए मैंने यक्ष 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 प्लस यक्ष करो तो कितना हो जाएगा, टू यक्ष हो जाएगा। बुरा नहीं करो, बुरा करोगे तब स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ोगे क्या हो जाएगा, टू यक्ष, तो यहाँ पर टू यक्ष है। तो आप इसका जोड़ा बना लो, इसका और इसका जोड़ा बना लीजिए आप लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा, आप इसमें दोनों कॉमन क्या लिख रहा है, इन दोनों कॉमन क्या है, यक्ष, इसमें भी यक्ष है, इसमें भी यक्ष है, यक्ष यक्ष, जब यक्ष में से यक्ष निकालो कितना बचेगा, एक्स, यहाँ पर कितने यक्ष है, दो, एक तो निकालिए कितने बचे, एक, यहाँ पर एक तो यक्ष है, यही है, इसमें से यक्ष निकालो कितना बचेगा, एक, कितना बचेगा, एक, और यहाँ पर कितना है, प्लस, ठीक है। आप ये दोनों सेम है कि नहीं, जब मैंने बताया था सेम रहेंगे, आप क्या लिखोगे, एक, एक लिख को इसको पूरा क्या कर दोगे, वही लिख दोगे, समझ में आ गया। यहाँ पर एक कोष्टक में प्लस वाला लिखो, एक कोष्टक में कोष्टक वाला, और एक कोष्टक में बाहर वाला, क्या करो, बाहर वाला, ठीक है। इतना समझ में आ गया सभी को, इतना समझ में आ गया, कोई डाउट है, कुछ करना नहीं है, बस आपको पहले भी बताया गया था गुणनखंड करना, इस तरीके से कर लेने के बाद इसमें अगर थोड़ा डाउट होता समझ सकते हैं ना, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा ना। आपका यहाँ पर x प्लस वन दिया है, इसके बराबर मान लो जीरो, x बराबर माइनस एक, और यहाँ पर भी दिया है x प्लस एक, x प्लस एक बराबर जीरो, x बराबर माइनस एक, तो हमारा आंसर क्या है उत्तर बाबू, माइनस माइनस वन कामा माइनस वन, ठीक है। ओके, तीसरा क्वेश्चन खत्म, तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया, ये आपका हो गया आंसर, लगा लीजिए। चौथा क्वेश्चन लगाते हैं ना, चलिए इधर देखिए, चौथा क्वेश्चन आपका दिया कि मतलब भाज्य निकालना, भाजक निकालना है, ठीक है। आपका इसमें क्या दिया है, यक्ष की तीन घात माइनस तीन यक्ष स्क्वायर प्लस यक्ष प्लस दो को एक बहुपद जी यक्ष से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः यक्ष माइनस दो और माइनस दो यक्ष प्लस चार है, तो जी यक्ष ज्ञात कीजिए। यानी आपका दिया है भाजक निकालना है, भाज्य भी दिया और शेषफल भी दिया है और भागफल भी दिया है, तो हमारा जब भाजक निकालते हैं किसी भी संख्या का, तो उसमें क्या करते हैं, भाजक निकालने के लिए क्या करते हैं, भाज्य में से शेषफल को घटाकर और भागफल से भाग देते हैं। तो हमने आया, कोई डाउट किसी को, चलिए अब आपका दिया है क्या भाजक, बोलो भाजक निकालना है बाबू, तो आप भाज्य बताइए क्या लिखा है, भाज्य कितना है, भाज कितना बताइए, बताओ, खड़े होकर बोलो, यक्ष की तीन कहाँ है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, हाँ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस टू
प्लस टू। अब देखिए ये आपका क्या हो गया भाज्य, भाज्य को क्वेश्चन में कर लीजिए। और शेषफल कितना दिया आपका, शेषफल आपका यक्स माइनस टू, नहीं माइनस टू एक्स प्लस फोर, वो शेषफल है, शेषफल आपका दिया माइनस टू एक्स प्लस फोर माइनस, देखिए आपका यहाँ पर माइनस दिया तो आप माइनस लगा लीजिए, आपका दिया है माइनस टू एक्स प्लस फोर, इतना समझ में आ गया। और आप किससे भाग देनी है आपको, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू से क्या करनी है आपको भाग देनी, समझ में आया इतना। आपका जो भी था भाज्य मैंने उतार दिया, शेषफल उतार दिया और भागफल भी उतार दिया, अब इसको क्या करो इसमें से घटाकर इससे क्या करो भाग दे दो। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल है, कठिन है, लेकिन उसको हम सही कर देते हैं। एक्स कोष्टक पहले तोड़ो, क्या तोड़ो कोष्टक, तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो, अब इसको माइनस दिया तो माइनस लिख लो, यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, सो मैं जब कोष्टक आप तोड़ोगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस दो एक्स और माइनस प्लस चार, ठीक, और बटे के एक्स माइनस दो, इतना समझ में आएगा आप सभी को। ठीक है, ए वाला किससे जुड़ेगा, इससे, और ए वाला घटेगा चाहे जुड़ेगा, अभी दिखा देते हैं हम। एक्स की तीन माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक कितना दिया है एक्स और एक कितना दिया प्लस दो एक्स, ये आपका दिया है एक्स और आपका ये दिया है प्लस दो एक्स, तो एक्स और दो एक्स कितना हो गया तीन एक्स, कितना हो गया तीन एक्स, ये आपका दो दिया है और ये माइनस चार, तो दो दो माइनस चार कितना होता बाबू माइनस दो, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो माइनस दो। अब भाग किससे देनी है आपको, एक्स माइनस, अच्छा हो जाएगा, ठीक है हो जाएगा। हाँ। अब आप इसको क्या करिए भाग दे दीजिए, भाग दीजिए आप लोग, चलो इसमें भाग देते ना, भाग दे ऐसे डायरेक्ट नहीं भाग देंगे, बताया जा रहा है। यही है, यहाँ पर लिख लो x माइनस दो, कोष्ठक में बंद कर दो, x की तीन माइनस तीन एक्स स्क्वायर थ्री एक्स प्लस प्लस थ्री एक्स माइनस टू, ठीक है। अब इसमें चलिए भाग देते हैं, यहाँ पर x की कितनी घाते हैं तीन, तो हमको कितनी जरूरत है दो, यानी x की दो घात, कितनी जरूरत है x की दो घात, तो x की दो से घात से गुणा करो, इसमें करोगे तो कितना x की क्यू, इसमें करोगे तो माइनस दो एक्स स्क्वायर, ठीक है, x की तीन माइनस दो एक्स स्क्वायर आपका ये, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस, एक कट गया माइनस तीन एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी टू एक्स स्क्वायर, तो आप इसको जब यहाँ आगे माइनस दिया तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो घटने के बाद तीन में से दो जाए एक स्क्वायर, मैंने बोला एक में नहीं लिखा जाता, ठीक है माइनस भी आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है आपका माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप उतार लो ये वाला, आगे वाला उतार लो प्लस थ्री एक्स माइनस दो, आप इसको उतार लिए, उतारने के बाद अब चलिए यहाँ पर माइनस दिया है तो हम जब भी ले जाएंगे किससे ले जाएंगे माइनस से, ठीक है, यहाँ पर एक्स की कितनी घात दी है, इधर देखो एक्स की कितनी घात दी है, तो अब यहाँ पर कितनी जरूरत है एक की, एक एक्स की जरूरत है ले लो, तो यहाँ पर एक्स की माइनस दो एक्स माइनस दो गुड़े माइनस एक्स से क्या करो गुड़ा कर दो, इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टू एक्स, अब जहाँ लिख दो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ठीक है इतना समझ में आ गया क्या हुआ।
किस जगह? अच्छा यहाँ पर क्यूब रहेगा, सॉरी यहाँ पर क्या रहेगा? क्यूब। आप यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ प्लस है तो माइनस। तीन माइनस तीन एक्स माइनस माइनस दो एक्स। देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या हो गया? बदली। तो इसमें हो जाएगा आपका यक्स। कितना बचा? एक्स। तो यहाँ पर लिख लो आप यक्स, यक्स माइनस दो। अब कितनी बार देखो ये दोनों सेम सेम है, एक बार। कितने प्लस में माइनस में होगा? प्लस प्लस एक। प्लस एक बार ले जाओगे तो आपका आ जाएगा एक्स माइनस दो। यहाँ माइनस है प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस जीरो। आपका यहाँ पर भाज्य क्या बताया गया? सॉरी भाजक क्या है आपका बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये आपका क्या हो गया आंसर? किसी कोई डाउट है? नो सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।